गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. मैं जानना चाहती हूँ कि हम सिचुएशन को बिल्कुल ऐसे कैसे देखें कि हमें सिचुएशन से बाहर निकलना है. कि मान लो हमारे पास बार बार कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम उसे फेस कर रहे हैं, फिर जो आसपास के हमारे सराउंडिंग्स के लोग हैं वो भी टॉन्टिंग कर रहे हैं हम पर, नहीं तुमने पहले भी ऐसे किया था, अब फिर तुम फेल हो जाओगे इसमें. तो वहाँ जा करके हम स्टक हो जाते हैं और फिर हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है. हम एग्जैक्टली कहाँ स्टक हो जाते हैं, जिसको आप जो वर्ड यूज कर रहे हो स्टक हो जाते हैं, मतलब आप कह रहे हो कि हम अपनी थिंकिंग में स्टक हो जाते हैं. थिंकिंग में स्टक हो जाते हैं, राइट? कि हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं. ओवर थिंकिंग में हम बैठे बैठे बस सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे में कुछ ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, मैं दोबारा भी ट्राई किया नहीं हुआ तो क्या होगा. हम जानते हैं कि पहले भी ऐसा हुआ था, फिर हमने उसे ओवरकम कर लिया, लेकिन बार बार वही चीज आते आते फिर वही ब्रेन का जो कंफर्ट जोन है फिर वहीं स्टक होने लगते हैं. और जिस कंफर्ट जोन की आप बात कर रहे हो वो एक्चुअल में ओवरथिंकिंग वाला जोन है. ओवरथिंकिंग वाला जोन है, मतलब जो बैठे-बैठे बस सोचते रहते हैं जैसी हमारी कंडीशनिंग हुई है, कुछ नहीं पाते हैं. करते भी हैं तो थोड़ा सा करना शुरू करते हैं, उसके बाद वापस से वो थॉट्स हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, राइट? यही आप कह रहे हैं. सर प्रॉब्लम जो है इतनी ज्यादा, क्योंकि एक्चुअली क्या लाइफ में अगर कुछ अच्छा होता है तो शायद हम प्रॉब्लम से इजीली निकल जाते हैं, बट बैक टू बैक जब आपको फेलियर्स ही मिल रहे हैं उस टाइम पे भी आपको फिर दिखना ही बंद हो जाता है कि हाँ निकलने का भी कोई रास्ता है. प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है, कि सबको यही लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है. अगर यहाँ पर मैं एक एक करके सबको बोलूँ कि आप बताओ कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई या अभी क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आई एम श्योर कोई सोच भी नहीं सकता कि अच्छा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी कोई फेस कर सकता है क्या. तो इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी कुछ लोग आगे बढ़ पाते हैं, कुछ नहीं बढ़ पाते हैं. That is the big question, कि exactly हम stuck कहां पर होते हैं. क्या हम actual में life में problems में फंसते हैं या उन problems को लेकर के जो हमारी thinking है वहां फंसते हैं. सबसे पहली ये चीज हमको क्लियर होना चाहिए. तो जो हम कह रहे हैं फंस गए हैं, हम actual में problems में नहीं फंसे हैं, क्योंकि problems तो सबकी life में है. हम actual में thinking में फंस जाते हैं. ये point सुनने में छोटा लग रहा होगा, but it is a very big point to understand in life. जो 99% लोगों को नहीं समझ में आता है, हम क्या समझते हैं कि हम प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं. क्योंकि द मोमेंट यू से दैट, तो जब तक प्रॉब्लम्स रहेगी तब तक आप फंसे रहोगे. और प्रॉब्लम्स कब तक रहेंगी? लाइफ टाइम. जब तक लाइफ रहेगी, राइट? बट द मोमेंट यू से कि मैं प्रॉब्लम्स में नहीं फंसा हूं, प्रॉब्लम्स मतलब लाइफ, लाइफ में नहीं फंसा हूं मैं, लाइफ के बारे में जो मेरी थिंकिंग है उधर मैं फंस गया हूं जाकर के. अब मैं उस थिंकिंग को कैसे चेंज करूं? राइट. इफ यू से दैट, तो वो आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है. बट इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व हूं, तो उसका कोई जवाब नहीं है. क्योंकि वो कभी नहीं होगा. आज आपकी एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो भी जाएगी, कल कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, परसों कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी, राइट सर? तो कैसे हम अपनी थिंकिंग को चेंज करें? सिंपल. थिंकिंग चेंज हो गई तो सब चेंज हो जाएगा. सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदल गया तो प्रॉब्लम बदल गई. एक बंदा जिसकी थिंकिंग नहीं फंसी हुई है उसको आप चारों तरफ से फंसा दो, वो निकल जाएगा. लेकिन जिसकी थिंकिंग फंसी हुई है उसको आप जा करके दुनिया जहान के सारे रिसोर्सेज दे दो, पूरा का पूरा खजाना भी दे दो, तब भी वो नहीं निकल पाएगा. तब भी रोएगा बैठ करके कि क्या मेरे को चारों तरफ खजाने से कैद कर दिया. अरे भाई खजाना है, कैद नहीं है. देखा ना ऐसे लोगों को जिनके पास में सब कुछ है लेकिन रोते रहते हैं. तो सब कुछ मिलना इज नॉट अ सॉल्यूशन. जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी रो रहे हैं. So, अब आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, कि वी आर स्टक इन आवर थॉट प्रोसेस, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट. तो सबसे पहली चीज ये समझनी है, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता है, सही सोचने से होता है. अभी सही सोचना क्या है? व्हाट इज राइट थिंकिंग? पॉजिटिवली, नॉट पॉजिटिवली सोचना. इसको भी ध्यान से समझ लेना. पॉजिटिव सोचना क्या सही सोचना होता है? फॉर एग्जाम्पल, आगे आप जा रहे हो किसी जंगल में हो और आगे दलदल है और आप पॉजिटिव सोच रहे हो मेरे साथ में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मैंने तावीज पहना हुआ है, ये मुझे बचाएगा. बहुत लोग हैं बहुत पॉजिटिव है लाइफ को लेकर के, बट क्या उनकी सोच सही है? अभी सही सोचना क्या है सर? मेरे हिसाब से मतलब इंटेलिजेंसी से सोचना, मतलब कुछ ऐसा सोचे कि आगे जाके हमें कोई हानि ना हो, कि एक इंटेलिजेंट माइंड से सोचे. अभी इंटेलिजेंट क्या है और फूलिश क्या है? एक है फूलिश तरीका सोचने का, बेवकूफों की तरह सोचना, एक है इंटेलिजेंस के साथ में सोचना. व्हाट इज इंटेलिजेंस? जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं वो इंटेलिजेंस क्या है? साइंस को इंटेलिजेंस कह सकते हैं? नहीं कह सकते. नहीं कह सकते तो किसको कहोगे? सुपरस्टिशंस को इंटेलिजेंस कहोगे? सुपरस्टिशंस मतलब क्या? बिलीफ, कुछ भी मान रखा है उसको पकड़ के बैठे हुए उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हैं.
उसको इंटेलिजेंस कहोगे या साइंस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसको इंटेलिजेंस कहोगे? एग्जैक्टली. तो साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग समझना पड़ेगा वो क्या है, उसको अपनी लाइफ में लगाना पड़ेगा, तब आप कह सकते हो आपकी जो थिंकिंग है वो सही है. अब ये साइंटिफिक थिंकिंग मतलब क्या? रियलिटी को एज इट इज देख लेना, दैट इज साइंटिफिक थिंकिंग. यही तो है और क्या है? देयर आर लॉज ऑफ दिस यूनिवर्स, उसको एज इट इज देख लेना, उसको ऑब्जर्व करना, यही तो है साइंटिफिक थिंकिंग. उन लॉज को बदलना नहीं, क्योंकि साइंस बदल नहीं सकती उन लॉज को. लॉ ऑफ ग्रेविटी को साइंस बदल नहीं सकती है, उस लॉ को समझ करके उसके हिसाब से एक्ट कर सकती है. इसी साइंटिफिक थिंकिंग को अगर हमको अपनी लाइफ में लगाना हो तो इसका मतलब क्या? एक थिंकिंग हो सकती है लाइफ से रिलेटेड, जो भी आपके दिमाग में कचरा भरा पड़ा है बचपन से लेकर के आज तक, जैसा आपको समझाया गया है लाइफ के बारे में. किसने समझाया है? वो लोग जो खुद नहीं समझते लाइफ के बारे में, अपने अपने बिलीव्स बनाए हुए हैं, अपने अपने स्टैंड पॉइंट से लाइफ को देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई हिंदू है तो एक तरीके से लाइफ को देख रहा है, कोई मुस्लिम है तो अलग तरीके से लाइफ को देख रहा है, क्रिश्चियन है तो अलग तरीके से देख रहा है. क्या सही है इन तीनों में से? कि तीनों को सही थिंकिंग कह सकते हैं? ना, क्योंकि आपस में लड़ झगड़ रहे हैं. साइंस में कोई लड़ाई झगड़ा होता है? अगर मैं किसी साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात करूंगा, क्या कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आकर के आपस में लड़ सकते हैं? नहीं. तो ये सही थिंकिंग है. एक है जो हमें सही लगता है, एक है जो सही होता है. दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. एक है जो आपको सही लगता है, एक है जो सही है. तो साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब क्या अगर इसको हमको लाइफ में लगाना हो तो? यानी लाइफ को आप एज इट इज देखो, ऑब्जर्व करो, फिर उसके बारे में सोचो. दिस इज साइंटिफिक थिंकिंग. और ये जो फंडा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में लगा सकते हो. इसको बिजनेस में लगा सकते हो, इसको जॉब में लगा सकते हो, इसको रिलेशनशिप में लगा सकते हो, इसको हेल्थ में लगा सकते हो. बिजनेस क्या है अगर रियलिटी को एज इट इज देखना नहीं है तो? अब ये जो आपने कहा कि बिजनेस में सब झूठे भरे पड़े हैं, क्या ये सच है या आपका अपना एक स्टैंड पॉइंट है? अभी इन्होंने बोला कि बिजनेस में सब झूठे भरे पड़े हैं. अभी ऐसे ही यहाँ पे मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें पूछूंगा ना, तो सब बड़े कॉन्फिडेंस से बोलेंगे एज इफ दे नो इट फॉर श्योर. जैसे मैं पूछूंगा, हाँ भाई यहाँ पे किसी मेल का किसी का ब्रेकअप हुआ होगा, तो सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, सब धोखेबाज हैं. ऐसी कोई लड़की से पूछूंगा, वो आकर के बोल देगी सर ये तो मर जात तो है ही ऐसी, इससे कुछ हो ही नहीं सकता. क्या ये सच है? या आपका अपना एक स्टैंड पॉइंट है, अपना आपका एक बिलीफ है? तो ध्यान से समझ लेना, इसका जो सबसे पहला स्टेप है वो है, अंदर जो भी कुछ पड़ा हुआ है आपके, जो भी आपने मान रखा है उसको छोड़ दिया. अब आप हल्के फुल्के हो गए, अब एज इट इज देखा लाइफ को, लाइफ को ऑब्जर्व किया एज लाइफ, नॉट माय लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, एंगर, क्या एंगर आपका है? नो सर. बट आप एंगर का सोल्यूशन कैसे निकालते हो? मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा नहीं करना है. कभी भी आप एंगर का ऐसे सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते. सिर्फ आपको आता है गुस्सा या सबको आता है? सबको आता है. तो क्या एंगर सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है या एंगर एक लाइफ की प्रॉब्लम है? फियर, इफ यू कैन लुक एट फियर, नॉट योर फियर और माई फियर, फियर डर है ना, वो डर क्या है? कैन यू लुक एट इट? इसको बोलते हैं साइंटिफिकली चीजों को देखना. रिलेशनशिप, नॉट माई रिलेशनशिप और योर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप. तो इस तरह से जब हम चीजों को देखते हैं ना, नॉट फ्रॉम अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे एक साइंटिस्ट देखता है, जैसे एक साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है, वहां पे ना खुश हुआ जाता है ना परेशान हुआ जाता है, ना पॉजिटिव हुआ जाता है ना नेगेटिव हुआ जाता है. दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज योर स्टैंड पॉइंट, इज अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उसमें खुश क्या होना है और दुखी क्या होना है, वहां पर सब कुछ क्लियरली नजर आ रहा होता है. वहां पर कभी भी हमारी थॉट प्रोसेस स्टक नहीं होती है, हम फंस ही नहीं सकते. बिलीव्स में आप गारंटेड फंसोगे, शॉर्ट टर्म में वो अच्छे लग रहे होते हैं क्योंकि वहां पर कंफर्ट मिलता है. जो भी हमने मान रखा है अगर उसको पकड़ करके हम बैठे रहें और उसमें गोल गोल घूमते रहें तो बड़ा कंफर्ट मिलता है, लेकिन आगे जाकर के वो हमको फंसा देता है, एंटैंगल्ड कर देता है. बट जो रियलिटी है वो धीरे 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 आपको आजाद करती रहती है, जितना आप रियलिटी को समझ जाते हो उस लेवल तक.
यानी कि अगर इसको मैं पूरा समअप करूं जो भी मैंने अब तक कहा है उसको, ये सेशन शुरू कहां से हुआ था? फेलियर से हुआ था, कि एक के बाद एक, एक के बाद एक हमने लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स फेस करे हैं। तो अब अपने फेलियर्स को ऑब्जर्व मत करो, अपने को बीच में से हटा दो, ऑब्जर्व करो ये जो फेलियर्स हैं ये क्या है। तो यू विल स्टार्ट सीइंग द नेचर ऑफ दोज फेलियर्स, यू विल स्टार्ट सीइंग द कॉजेज ऑफ दोज फेलियर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ है, अगर मेरे को उसको ऑब्जर्व करना है, दो तरीके हो सकते हैं। एक ये, अब मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सजा रहा हूँ जिससे कि आप उसको रिलेट कर सको। मैंने पास में कुछ गलतियां करी, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी, मेजर लॉसेस हुए, तो एक एंगल तो ये हो सकता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। दूसरा ये है कि मैं ऑब्जर्व करूँ कि एग्जैक्टली वो गलती क्या थी और उसका कॉज क्या था। तो वो दिख जाता है, अच्छा उस टाइम पे वो ग्रीड बहुत ज़्यादा हावी हुई पड़ी थी। अच्छा ग्रीड क्यों हावी हुई पड़ी थी, इतना लालच क्यों आया हुआ था कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये क्यों आया हुआ था? और ये बचपन से ऐसी कंडीशनिंग हुई पड़ी थी, बचपन से घर में यही सारी बातें सुनी थी, तो इसलिए आई वॉज एक्टिंग आउट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन जो मेरे अंदर फीडेड थी, एंड दैट वॉज नॉट करेक्ट इन्फॉर्मेशन। वो सारी इन्फॉर्मेशन गलत थी जिसकी वजह से मैंने जल्दी से एक्ट किया, बिना सोचे समझे, बिना सही थिंकिंग के एक्ट कर दिया, उस वजह से जा करके फंस गया। तो मुझे उस बंदे ने नहीं फंसाया, मैं खुद फंसा अपने लालच की वजह से। तो अब ये क्लियर हो रहा है हम कैसे देखते हैं? तो वंस वी सी दैट, तो अब मैं उससे पूरी तरह से फ्री हो गया, बिकॉज आई अंडरस्टूड समथिंग विच इज वेरी बेसिक इन लाइफ, जिसकी वजह से पूरी की पूरी लाइफ एक अलग ट्रैक पे निकल गई। क्या समझ आया? कि कभी भी ग्रीड से एक्ट नहीं करना है। अब इसको हम समझते हैं, कैसे समझते हैं? मॉरल साइंस की बुक से। वो सब बकवास है, ये लालच नहीं होना चाहिए, सबके अंदर लालच भरा पड़ा है, बट लालच हमको कैसे फंसाता है, इसको ऑब्जर्व किया अपनी गलतियों के बेस पर और फिर समझ आया, अच्छा ये होता है। लालच से ग्रोथ नहीं होती है, लालच से आप पैसा कमा सकते हो बट उसको आप ग्रोथ नहीं कह सकते, क्योंकि आप डिग्रेड हो रहे हो, तो आप एक्चुअल में ग्रो नहीं कर रहे हो। एक्चुअल ग्रोथ में उसको कह सकता हूं जो होलिस्टिक ग्रोथ हो, उसको ग्रोथ बोल सकते हैं। आपने पैसा तो कमा लिया लेकिन डर में जी रहे हो कि मैंने इतने घपले कर दिए हैं, अगर किसी ने पकड़ा गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या फायदा ऐसी लाइफ का, उसको आप ग्रोथ कहोगे? कैन यू कॉल इट ग्रोथ? ना। तो लालच से ग्रोथ नहीं होती। तो ये चीजें समझना बारीकी से, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, तो आप गलतियों का पूरा नेचर समझ सकते हो, द नेचर ऑफ मिस्टेक्स, द काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स, द टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स और उनके कॉजेस क्या होते हैं। और जैसे ही हमको ये सब समझ आ जाता है और साफ दिखने लग जाता है, तो वो गलतियां होनी हमसे बंद हो जाती हैं। और जितनी भी गलतियां हो सकती हैं उन सबके अगर नेचर समझ आ जाते हैं, तो गलतियां होने की पॉसिबिलिटी फ्यूचर में ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। प्लस जब समझ आ गई है उसकी रियलिटी, तो वहां पे ओवर थिंकिंग के लिए जगह नहीं होती है, अपन थिंकिंग में स्टक नहीं होते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।